कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से कोई गरीब भूखा ना रहे, इसी को लेकर वार्ड नंबर 31 के समाज सेवी सपन कश्यप के द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है एवं खाद्य सामग्री भी बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि समाज सेवी सपन कश्यप का एक ही उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी गरीब असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी को लेकर रोजाना अपने दोस्तों के साथ वार्ड नंबर 31 के समाज सेवी सपन कश्यप रोजाना इसी तरह अपने साथियों के साथ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। वहीं आज समाज सेवी सपन कश्यप ने गरीब लोगों को खिचड़ी चोखा सलाद सहित कई प्रकार के व्यंजन खिलाया। इनका मानना है कि रोजाना एक ही तरह के भोजन खाकर इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए सपन कश्यप रोजाना अलग अलग प्रकार के भोजन गरीबों को कराते हैं। वहीं आज इन लोगों ने शक्ति मंदिर, पुराना बाजार, जोड़ा फाटक, धनसार, डीएवी मैदान, बैंक मोड़, बट्टार बस स्टैंड, चांदमारी, रांगाटार, गोल्फ ग्राउंड, स्टेशन रोड सहित धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन कराया। वहीं वार्ड नंबर 31 के समाज सेवी सपन कश्यप का कहना है कि हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन की घड़ी में कोई भी गरीब और असहाय व्यक्ति भूखा ना रहे और भूखा ना सोए। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन कराते रहेंगे। आज हम लोगों ने अपने मित्रगण के सहयोग से जरूरतमंदों के लिए खिचड़ी वितरण किए। हम लोगों ने शक्ति मंदिर, धनसार, बैंक मोड़, बस स्टैंड, गोल्फ ग्राउंड, पुराना बाजार, डीएवी मैदान में अपने मित्रगण द्वारा खिचड़ी वितरण किए। इस कार्य में राजेश दास, सतीश रजक, रितेश कुमार, रोहित कश्यप, जय कश्यप, दीपू कुमार, मुन्ना गुप्ता, कमल गोलू, रजन भैया, निरंजन थे। आगे आने वाले समय में आप लोगों ने क्या सोच रखा है? हम लोगों ने सरकार का निर्देश अनुसार जब तक लॉकडाउन 3 की स्थिति रहेगी तब तक हम लोग इसी तरह जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भूखा न रहे। वहीं इस मौके पर दीपू कुमार, निरंजन कुमार, राजेश कुमार, दिवेश कुमार, मुन्ना, चीकू, राहुल कुमार, जय, कमल, कृष्णा जी, रितेश सहित अन्य सदस्यों